तो अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन का मतलब जब एक लाइट एंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो अपना रास्ता चेंज करती है, रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल, डिपेंडिंग वो कैसे ट्रेवल कर रही है। प्रैक्टिकली अगर रिफ्रैक्शन के अफेक्ट देखने हैं तो प्रैक्टिकली पहला अफेक्ट रिफ्रैक्शन का देखा जा सकता है सनराइज या सनसेट पे। सनराइज या सनसेट के ऊपर अगर रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स को देखना है तो ये सन है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, सन है और ऑब्जर्वर है। नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं और आपको दिखता है कि चलो सनराइज हो गया, तो एक्चुअल में वो सन जो दिख रहा है वो सन की इमेज दिख रही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सन नहीं दिख रहा, सन अभी भी नीचे है, होराइजन के नीचे ही है, पर फिर भी आपको ऊपर नजर आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप एक पानी के अंदर एक कॉइन को रख दें तो कॉइन की जो एक्चुअल डेप्थ है वो आपको नजर नहीं आती, आपको कॉइन थोड़ा सा ऊपर नजर आता है पानी के अंदर। वो क्यों नजर आता है? बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं तो वो ऊपर नजर आ रहा है। बिल्कुल वही काम हो रहा है, एटमोसफेयर एक डेंसर मीडियम है और आपका सन एक कॉइन की तरह है। जब आप एटमोसफेयर में से देखेंगे तो सन आपको एक्चुअल पोजिशन पर नजर नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नजर आएगा। अब इसका बेसिक क्या प्रिंसिपल है? इसका प्रिंसिपल एक है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को रे ऑप्टिक्स में देख कैसे सकते हैं। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, पहली बात तो लाइट चाहिए देखने के लिए, मैं अंधेरे में देख नहीं पाऊंगा इसे। तो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है और लाइट टकरा के मेरी आंखों में आती है इन द फॉर्म ऑफ रेस, और वही लाइट टकरा के आपकी आंखों में भी आ रही है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट से रेज सिर्फ मेरी तरफ आ रही है ऐसा तो है नहीं, हर की आंखों में जा रही है। तो रेज तो इनफाइनाइट है, जिस जिसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी आंखों में रेज आ रही है, पहला पॉइंट। तो ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसको देखना चाहता हूं, सन को, तो सन एक ऑब्जेक्ट है और रेज कहां से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट की सरफेस से निकलती हैं और आंखों में जाती हैं, ऑब्जर्वर की आईज में जाती हैं। तो इसलिए रे डायग्राम में आपने एरो ऑब्जर्वर से सन की तरफ नहीं बनाना, सन से ऑब्जर्वर की तरफ बनाना है। तो सन अगर मान लो होराइजन के अभी नीचे है और लेट अस सपोज कि जो सन है यहां से रेज निकलती हैं, वैसे तो इनफाइनाइट हर डायरेक्शन में जा रही हैं, पर मान लो हर डायरेक्शन में जाने वाली रेज में से कोई भी एक रे मैंने ले ली, एक रे यहां से यहां एंटर करती है। अब क्योंकि यहां पर तो मीडियम है नहीं, वैक्यूम है, लेकिन कभी ना कभी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एंटर करेगी, रे एंटर करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो एंटर कर गई तो ये रेयरर मीडियम है और यहां पर क्या स्टार्ट हो गया? डेंसर। जैसे जैसे ऑब्जर्वर के पास जाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती 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 जाएगी और डेंसर मीडियम बढ़ता जाएगा। अब रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, और अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर जैसे जैसे एंटर करते जा रहे हैं मीडियम और डेंस होता जा रहा है, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो फिर एक बार रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अब इमेजिन करें टूवर्ड्स नॉर्मल 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 करते 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 डेंसिटी बढ़ती जा रही है और करते 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 ये रे कहां पर आ गई? ऑब्जर्वर की आईज में आ गई। वैसे कोई रे टेढ़ी जाती नहीं है, ये तो रिफ्रैक्शन ने इसका पाथ को मोड़ दिया, वैसे रे डायरेक्ट स्ट्रेट जाती है। अब ये बात ऑब्जर्वर को तो पता नहीं ना, और उसको लेना देना भी क्या है? ऑब्जर्वर को कोई चीज़ कैसे दिख रही है? अगर मान लो मेरे को ये कैमरा दिख रहा है तो बड़ा सिंपल है यार, कैमरा में से मुझे ये कैमरा दिख रहा है तो मैं सीधी रे मेरे कैमरे से मेरी आंखों में आ रही है। अब मुझे नहीं लेना देना नहीं है कि वो रे किसी एयर के मीडियम में से आ रही है, कैसे आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो आईज में रेज आ रही हैं मैं पीछे एक्सटेंड कर लूँगा, क्योंकि मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को थोड़ा पता है कि वो मुड़ मुड़ के आई है, मेरे हिसाब से तो वो सीधी आ रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर को रिफ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो तो रे मुड़ती आ रही है वो उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि डेंसर मीडियम में एंटर करती जा रही है। लेकिन ऑब्जर्वर देख रहा है कि रे शायद सीधी आ रही है, तो उसको सन कहाँ नजर आएगा? यहाँ नजर आना स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअल में ये सन नहीं है, ये सन अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्या नजर आ रही है? उसे इमेज नजर आ रही है। तो एक्चुअल में जो पोजीशन है सन सन की, वो एक्चुअल पोजीशन पे उसको नहीं नजर आने वाला, जैसे आपको कॉइन एक्चुअल नहीं नजर आता, कहीं और नजर आता है। इसके अंदर भी एग्जैक्टली यही हो रहा है और ये पूरा खेल पूरा दिन चलता रहता है। अगर आप देखेंगे पूरा सन कहां पर है, वो सन एक्चुअल में उस पोजीशन पे होता ही नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन हमेशा चेंज ही दिखाई देती है, एक्सेप्ट एक दिन
एक एक टाइम पूरे दिन में, और वो कौन सा टाइम है? जब सन बिल्कुल टॉप पे होगा ऑब्जर्वर के. क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो आएगी वो नॉर्मल के थ्रू एंटर करेगी, और नॉर्मल के साथ एंटर करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाएगी? जीरो. रिफ्रैक्शन का एंगल भी क्या होगा? जीरो. नॉर्मल के साथ लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, तो फिर आपको सन वैसे नजर आएगा, पर पूरा दिन गलत पोजीशन में नजर आता रहेगा. चलो हम ये नोट नहीं करते, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है. तो रिफ्रैक्शन का ये पहला इफेक्ट है. जस्ट वो एग्जाम्पल दे रहा है रियल टाइम में, कि एग्जाम्पल्स के अंदर ये किस तरीके से जो सन है अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक वैसे ही जैसे कॉइन अपनी पोजीशन को चेंज करता है किसी भी वाटर के अंदर. अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है रियल और अपेरेंट डेप्थ.